कृष्णपुर नाम के एक गांव में कांता नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बच्चे थे, बेटा आनंद और बेटी रम्या। कांता के शादी के ठीक 4 साल बाद ही उसका पति भगवान को प्यारा हो गया था, जिससे दोनों बच्चों की परवरिश कांता ने ही की थी। कांता बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया करती थी और वो ये समझती थी कि उसका बेटा खूब पढ़ेगा और बहुत अच्छी नौकरी भी करेगा। लेकिन आनंद पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। 10वीं क्लास वो 4 बार फेल हो चुका था। कांता एक बैंक में स्वीपर का काम किया करती थी और उस बैंक के मैनेजर को लोन देने के लिए उसने बहुत विनती की थी, जिससे वहाँ का मैनेजर कांता को लोन दिलवाता है। उन पैसों से कांता अपने बेटे आनंद को एक छोटा सा दुकान लगाकर दे देती है और उसका बेटा आनंद उस दुकान में काम करने लगता है। और कांता की बेटी रमा पढ़ाई में बहुत चतुर थी और वो बहुत होशियार लड़की भी थी। उसने पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की थी, वो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन तभी तक आनंद तो 4 बार 10वीं क्लास फेल हो चुका था। अब कांता ये सोचने लगी कि उसकी बेटी रमा की शादी करवा देगी, लेकिन रमा की इच्छा और पढ़ाई करने की थी, उसको अभी शादी नहीं करनी थी। लेकिन उसकी माँ की जबरदस्ती से वो कुछ नहीं कर पाई थी। जिस कॉलेज में रमा पढ़ती थी, उस कॉलेज के सारे ही टीचर्स रमा की माँ से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि रमा पढ़ाई में बहुत अच्छी है और वो बहुत ज्यादा चतुर लड़की है, ऐसी लड़की को और पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। उन सारे लोगों की जबरदस्ती से रमा की माँ कांता ने भी इस बात के लिए हाँ कह दी थी, जिससे रमा बहुत खुश हो गई थी। फिर रमा का मनपसंद BSc एग्रीकल्चर साइंस में वो ज्वाइन हो जाती है और आनंद का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर जो भी कांता के जान पहचान के या आस पड़ोस वाले रहते थे, सभी लोग यही पूछा करते थे कि बच्चों की शादी कब है। वो लोग तो अभी शादी की उम्र तक आ चुके हैं। और कांता फिर से इसी सोच में पड़ गई थी कि अब उसके बच्चों की शादी कैसे करवाए। अरे बेटा आनंद, तुम्हारी मामा की बेटी है ना? अरे वही रानी, मैंने सुना है उसको शादी करने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं और सारे लड़के वाले इसी कारण से उससे शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि लड़की का रंग थोड़ा कम है। अब रंग में क्या रखा है बेटा, तू तो जानता है उसको और हम भी तो जानते हैं कि कैसी लड़की है। अगर तू हाँ कर देगा तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊंगी। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बहन की शादी करने से पहले मेरी शादी की बात कर रही हो? जब तक रमा की शादी नहीं हो जाती, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगा। और वैसे भी हमारा काम भी तो ठीक ठाक चल रहा है ना, अभी हमारे पास जितने पैसे हैं, उन पैसों में तो रमा की शादी हो जाएगी और मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। अरे भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अभी बहुत पढ़ना है और एक अच्छी सी नौकरी भी करनी है। जो पैसा मैं कमाऊंगी, उन्हीं पैसों से मैं अपनी शादी करूंगी। और ये तुम सब लोग ना याद रख लेना, ये माँ भी ना कोई बात सुन लेती है तो उसी बात को पकड़कर बैठ जाती है। तुम तो जानते हो ना भैया कि मेरा तो सेकंड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे रमा, तुम वो सब छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी शादी के बाद ही मेरी शादी। फिर दूसरे दिन उनके घर कुछ मेहमान आ जाते हैं। अरे भैया, भाभी जी आइए ना आइए। मौसी जी कैसी हैं आप? अब मैं क्या बताऊं बेटी, मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है कि मैं क्या बताऊं। अगर दवाई नहीं खाऊंगी तो चल भी नहीं पाती हूं मैं। हाँ मौसी, ये तो है। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग बैठ जाइए। रम्या, बेटी रम्या, सब लोगों के लिए कॉफी ला देना बेटा। अरे वाह, तेरी बेटी तो गुड़िया जैसी लगती है। शादी करने के लिए रिश्ते ढूंढ रही हो कि नहीं? वो मौसी जी, वो तो अभी पढ़ाई कर रही है ना, 1.5 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी
और कह रही है कि पढ़ाई के बाद ही शादी करेगी। अरे कांता, ये तू क्या कह रही है? हमारा आनंद तो लड़का है, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब ये लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत? अब नौकरी करके कौन सा गांव का पालन पोषण करना है? होने वाले बच्चों के लिए चार लफ्ज अगर जान लेंगे तो यही बहुत होगा। ये बुढ़िया को भी शायद कोई काम नहीं मिला, इसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी। अब मेरी जिंदगी के पीछे पता नहीं क्यों हाथ धो के पड़ गई है। मेहमान बनकर आते हैं तो ठीक से खा पी कर चले क्यों नहीं जाते? हमारे ही घर में रहकर हमें ही पता नहीं कैसे कैसे सलाह देकर जाते हैं। अब इनकी इन बेकार बातों की किसको जरूरत पड़ी है? कांता के घर जो मेहमान आए थे वो लोग ठीक चार दिन बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन जो बातें कांता से उन मेहमानों ने की थी वो बातें कांता के मन और दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो बस अपने बच्चों की शादी के बारे में ही सोचने लगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई का क्या है, वो तो शादी के बाद भी हो सकती है। अब इस बात को पकड़कर कांता बैठ जाती है और फिर अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है। और फिर एक लड़के को रमा बहुत पसंद आती है, और वो ये भी कहता है कि शादी के बाद रमा को पढ़ने की इजाज़त वो लोग जरूर देंगे। ये बात सुनते ही रमा के बहुत मना करने के बावजूद कांता उस रिश्ते को हाँ कर देती है और फिर रमा की शादी करवा देती है। रमा अपने ससुराल चली गई थी। रमा के शादी के ठीक दो महीने बाद ही कांता ने अपने बेटे आनंद के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया था। एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ कर आनंद की शादी करवा देती है। आनंद की शादी हुए ठीक एक साल भी नहीं हुआ था, और एक बार किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा चोट लगती है जिससे वो मर जाती है। इससे आनंद को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए थे। देख बेटा आनंद, कब तक ऐसी गुजरी हुई बातों को याद करता रहेगा और अपने आप को दुख पहुंचाता रहेगा तू? अभी भी वक्त है बेटा, अगर तू एक बार हाँ कर देगा तो रानी अभी भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अरे माँ, जब देखो तब शादी शादी शादी, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता? तुम्हारे पिताजी के बिना ही सारी जिंदगी मैंने अकेली गुजार ली, और बहुत मेहनत करके तुम दोनों का पोषण किया मैंने। अकेलापन क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मेरा बेटा मेरी ही आंखों के सामने ऐसे दर्द भरी जिंदगी जिएगा तो मैं कैसे देखकर सह पाऊंगी? मैं एक माँ हूँ ना, नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मेरा दर्द तू क्या समझेगा? कोई नहीं समझता एक माँ का दर्द क्या होता है। चुप हो जाओ माँ। अच्छा ठीक है ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना। लेकिन मेरी तो अभी ये दूसरी शादी है ना, क्या इस बात के लिए मामा और मामी राजी हो जाएंगे? रानी के माता पिता भी उसके लिए रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, क्योंकि जो भी आकर रानी को देखते थे सारे ही लड़के वाले उससे शादी करने के लिए मना कर देते थे। जिस कारण रानी के माता पिता ने आनंद के साथ उनकी बेटी की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मैंने राधा से शादी कर ली थी, और ये बात पता होने के बाद भी तुमने मेरे साथ शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? क्या तुम्हें मुझ पर कोई गुस्सा नहीं? पसंद करने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन मेरे पास कोई मौका नहीं। मुझे माफ कर दो रानी, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो, किसी भी बात में तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैंने तुमसे बहुत पसंद करके शादी की है। और वैसे एक बार मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था, साड़ी पहनी हुई थी, और तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी रानी। हाँ, सारे लोग यही कहते थे
कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कह दे कि मेरा रंग थोड़ा सा कम है। देखो रानी, खूबसूरती सिर्फ शरीर से या फिर उसके रंग से नहीं होती है। खूबसूरती तो इंसान के मन में होनी चाहिए, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, ये बात मैं जानता हूँ। अब जो कुछ भी तुम्हारे जिंदगी में पहले गुजर चुका था, उन सारी बातों को भूल जाओ। अब ये हमारा एक नया जीवन है। अब हम इसको सिर्फ हमारी खुशी के लिए जिएंगे, सिर्फ हमारी दुनिया। आनंद और रानी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और अचानक एक दिन आनंद की बहन रमा रोती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ रमा, तुम क्यों रो रही हो? भैया, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं भैया, और ये भी कहते हैं कि मुझे फाइनल एग्जाम लिखने की भी परमिशन नहीं देंगे, और ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बस पसंद करके शादी की थी, तुम्हारी पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और ये कहकर मुझे बहुत मारते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है। मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई इसीलिए की थी भैया, ताकि मैं एग्जाम दे पाऊँ, लेकिन मुझे वो भी नहीं देने दे रहे हैं। मैंने बहुत उनके सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, लेकिन आपको पता है भैया, 4 दिन मुझे उन लोगों ने एक कमरे में बंद करके रखा था। किसी तरह मैं अपनी फ्रेंड्स की सहायता से बाहर निकल पाई हूँ, और उनको बिना बताए बस पकड़कर यहाँ आ गई हूँ भैया। इतने दिनों मुझे बस यही लग रहा था कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, लेकिन मैं तुम्हारे ससुराल जाकर उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि ये सब क्या है। इस तरह आनंद और उसकी माँ दोनों मिलकर रमा के ससुराल चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद रमा के ससुराल वालों ने फिर से उनसे कहा कि रमा एक बहुत ही बुरी लड़की है, उनके घर में वो किसी की बात नहीं मानती, ना ही बड़ों की इज्जत करती है, और ऐसी बहू की उनको कोई जरूरत नहीं है, वो उनके बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा लेंगे। ये सारी बातें सुनकर आनंद और उसकी माँ कुछ नहीं कह पाए थे, और वो चुपचाप अपने घर वापस आ गए थे। ये जब घर पे रहती थी तब मेरी बात भी नहीं सुनती थी, अब जैसे मायके में करती थी वैसे ही अगर ससुराल में करेगी तो कौन चुप बैठेगा। अरे वैसे भी अब और पढ़ाई करने से किसी का फायदा होने वाला है क्या? जैसा ससुराल में बोलेंगे वैसा ही सुनकर रहना पड़ेगा, वरना देखो ये सब देखना पड़ेगा। अब हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलो, सारे लोग जाकर उनके पैरों पर गिर जाते हैं और फिर उनसे क्षमा मांगते हैं। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमें इसके अगले भाग के लिए इंतजार करना पड़ेगा।